أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। दो ऐसे अफराद तारीख में मिलते हैं जो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शहीद हुए। ये कौन अफराद थे और ये मैदान करबला में इमाम अलैहिस्सलाम से पहले शहीद क्यों ना हुए, क्या वजह थी? सबसे पहले सुवैद इब्ने अम्र अबी मुता। सुवैद बहुत ही नेक और पारसा शख्सियत थी और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत से कुछ देर पहले ही मैदान जंग में पहुँचे और बहुत ही शुजाना अंदाज में जंग की और जहाँ तक मुमकिन था जंग करते रहे और आखिरकार ज़मीन पर गिरे और बेहोश हो गए। और जब होश आया तो आवाज़ उनको सुनाई दी कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। और क्योंकि उनकी तलवार छीन ली गई थी और ज़मीन पर गिरे हुए थे और अपने पास एक चाकू भी था और कुछ देर तक उसी चाकू से जंग करते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। दूसरे शहीद जो इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शहीद हुए और हत्ता तारीख में मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा दलेर और बहादुर थे, हफ्हाफ इब्ने मुहन्नद रासिबी। बसरा के रहने वाले थे। जो ही उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ियाम की खबर सुनी, बसरा से इमाम के साथ हमराही के लिए करबला की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जो ही वो करबला पहुँचे तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उमर साद के लश्कर की तरफ हमला किया और साथ ही ये भी कहा, मैं हफ्हाफ हूँ और इमाम अलैहिस्सलाम और ख़ानदान बनी हाशिम की मदद के लिए आया हूँ। उन्होंने काफ़ी देर जंग की और काफ़ी तादाद में लश्कर यजीद के सिपाहियों को फिन्नार किया और हत्ता के लड़ते लड़ते सिपाही दुश्मन ने उन पर इकट्ठे होकर हमला किया और उनको शहीद कर दिया। इनकी शुजात और दलेरी इतनी मारूफ व मशहूर थी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया, बेसते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद दलेर तरीन और शुजा तरीन फ़र्द को आज तक इस जैसा नहीं देखा। उन्होंने जहाँ तक उनके जिस्म में ताकत थी लड़ते रहे। उन्होंने दुश्मन के काफ़ी तादाद में सिपाहियों को वासिल जहन्नम किया और आखिरकार लश्कर यजीद के सिपाहियों ने मुहासरा किया और उनको शहीद कर दिया।